हैं? हाँ। पलटा वाह, देख रहे हो पूरा भीग गया मैं। ये देखो उसकी कहानी बताता हूँ फिलहाल। ये प्रेम भाई को देखो, अरे यहाँ से नीचे देखो कितनी खतरनाक वाली खाई है। तो ये अच्छा शुभ माना जाता है, बिजली उसी में गिरती है और जो बंदा सीधा होता है ना उस पर भी बिजली गिरती है। तो यहाँ पर क्या सीन है ना, यहाँ पर घुरड़ काकड़ वगैरह भी दिखते हैं। अगर दिखेंगे तो जो लोग यहाँ रहते थे वो अपना सारा खजाना अपने साथ लेके यहाँ कुछ घर आते ही बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एक टाइम था जब गांव गांव था। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है काफल के पेड़ के यहाँ पर से। तो फिलहाल अभी हम लोग नीचे आए हुए हैं और मेरे साथ आज है प्रेम भाई भी। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पर काफल खाने के लिए उतरे हुए हम लोग। तो काफल खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं थोड़ा जंगल में एडवेंचर करने, और थोड़ा वहाँ पर आंवले हो रहे हैं तो आंवले लेकर के आएंगे क्योंकि इस समय आंवले का जूस बन रहा है। तो जूस बना लेते हैं अगर मिलता है तो। चले चलते हैं, चलो मैं बैग लेके आया हूँ, बाकी चाकू नहीं सॉरी दराती प्रेम भाई की वहीं से ले लेंगे। तो बस वहीं पर से आगे को चलेंगे। भाई मन ऐसा कर रहा कि पेड़ में बैठ गया पूरी रात। क्यों पेड़ में क्या बैठेगा, क्यों बैठेगा पेड़ में? हवा खाने के लिए। तो यहीं बैठ जा, कौन मना कर रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल में। प्रेम भाई को कुछ याद आ रहा है यहाँ पे, कि वो बता रहे कि यहाँ पहले हम किसी टाइम पर खाना बनाया करते थे यहाँ भी और वहाँ नीचे भी फील्ड में। तो जंगल से हमारा घर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम लोग आए हैं नीचे यहाँ से होते हुए। ये मैंने इंस्टाग्राम में लाइव था इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। वहाँ रामू काका नीचे बकरी चरा रहे हैं, सामने हमारा घर है। यहाँ से हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर से, और बहुत प्यारा लगता है। अभी ऊपर से देखेंगे ना वहाँ जंगल से, तो पहाड़ों की चढ़ाई है भैया। यहाँ से भी हमने चढ़ना है उस वाले धार पे, तो वहाँ पर तक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। इन वाले रास्तों में हमारे जानवर चलते हैं, यानी कि हमारे खच्चर जो हैं वो आते हैं और यहाँ से ली से ये कुछ इस तरीके से जो कंटर रखे हुए, तो इन कंटरों को वो रातीघाट तक लेके जाते हैं। और तो जंगलों में बहुत सारी लकड़ियाँ गिरी हुई होंगी, तो लोग आकर के ऐसे बांध करके चले गए हैं गट्ठों को, और जिस समय समय होगा फिर ये अपना गट्ठे लेके जाएंगे। ये ऐसे रास्ते पर ना हमारी आफत आ जाती है। तो सोचो जिस समय जानवर चलते हैं, मेरी कई सारी वीडियोस में वो इन रास्तों में मैंने दिखा रखा है उन्हें चलते हुए, तो ये वाले रास्तों पे वो इतने डाउन पे कैसे आते होंगे। बाइक और बहुत बड़ा बैलेंस बना के लाते हैं वो लोग अपना। तो अभी हम लोगों को थकान लग चुकी है, तो जब वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा सांस फूल जा रही है और अभी हमें बहुत देर लगने वाली है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं ठीठ, और ये शहरों में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लोग इनमें कलर करके बेच देते हैं, बट हमारे यहाँ इनको सिर्फ जलाने के लिए ले जाते हैं, आग सेकने के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कुमालटा के खेतों में, और गाय बच्चे हमको देख के चौंक रही हैं। ये चाचा जी, हेलो, क्या हाल चाल है, ठीक हो? तो चाचा आ रखे हैं यहाँ पर गाय चराने के लिए। ये देखो, और गाय बढ़िया तरीके से चर रही है। ये ब्लैक वाली ना थोड़ा सा वो हो रही है, देख के चौंक गई है, कह रही यहाँ तो कोई आदमी नहीं आता था, ये क्या हो रहा है। तो पहले से हम लोग भी ना कुछ इस तरीके से लकड़ियां तोड़ते थे रस्से फंसा करके, बट ये तो धोती के टुकड़े हैं, मतलब धोती के साइड का कॉर्नर वाला, तो उसे तोड़े तो बट ये ऐसे रहता है। बट हम लोग बहुत दूर दूर तक तोड़ते थे, यहाँ सारी एरिया से हमने लकड़ियां तोड़ रखी हैं पूरे बड़े बड़े, जहाँ दूर दूर तक दिखता था तीन चार रस्सियाँ बांध करके, उसके आगे से जैसे उसमें बांध रखा ना वो जैसे टूका है, उसके आगे से पत्थर बांधा, पत्थर क्योंकि दूर तक चले जाता फिर उसमें फंसता है, फिर उसको खींचते थे। फिलहाल यहाँ पर हल्की हल्की बारिश आने की संभावनाएं हो चुकी हैं, बारिश आ रही है हल्की फुल्की। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बुरांस का पेड़ खिला हुआ है, बट हम इसमें जा नहीं सकते। कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, यहीं से वहाँ से नीचे को, और तोड़ेगा कहाँ और वो गिरेंगे कहाँ। तो बुरांस का पेड़ ना यहाँ बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसमें बुरांस का पेड़ तो एक तो बहुत ज़्यादा कच्चा होता है, बट इसमें जाने की कोई संभावना ही नहीं है। बट और नीचे को बिल्कुल ऐसी खाई है, देख रहे हो, तो ऐसी खाई है, ज़्यादा दूर तक भी नहीं जा सकते। मैंने बहुत दूर जाना है, हम मिट्टी लेने के लिए उस वाले धार में जाते थे। एक टाइम था जब गांव गांव था, तो बहुत सारे लोग होते थे, गाय बच्चियाँ और बकरी
तो ये सब हम यहाँ चराने के लिए आते थे, ये पूरी एरिया में, पूरे बेल्ट में, तो यही हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे। यहाँ पीछे पुराने खंडर हैं, तो वहाँ हम कुछ ढूंढते भी थे, शायद कुछ खजाना वगैरह मिल जाए, बट खजाना तो आज तक नहीं मिला पत्थरों के सिवाय वहाँ। तो जो लोग यहाँ रहते थे वो अपना सारा खजाना अपने साथ लेके यहाँ कुछ भी छोड़ के नहीं गए हैं। तो बाकी हम यहाँ क्रिकेट वगैरह जरूर खेलते थे, लकड़ियाँ तोड़ते थे जम के, रोज लकड़ियाँ ले जाते थे, एक एक गढ़ोई, गढ़ोई मतलब गड्ढा, गड्ढे को बोलते हैं हमारा गढ़ोई, तो गढ़ोई ले जाते थे। और ये सोतर काटने भी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सिर्फ हम ही नहीं सारे गाँव के एरिया के लोग यहाँ आते थे। तो अभी हम लोग जंगल पहुँचे ही हैं कि यहाँ पर बस आसमान गरजने लग गया है। तो अभी तो रानीखेत की तरफ से बहुत तेज साउंड आ रहा है, तो हमें रानीखेत वाले बारिश का इतना टेंशन रहता नहीं, उधर वाली बारिश इधर को बहुत कम पहुँचती है। अगर यही चीज़ नैनीताल से हो रही होती तो थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती। फिलहाल हम लोग अभी घर से कम 4 किलोमीटर दूर आ गए हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जंगल के दूसरे कोने में, और दूसरा कोना यहाँ से शुरू होता है, ये है जाक्का गाँव। तो यहाँ पर क्या सीन है ना, यहाँ पर घुरड़ काकड़ वगैरह भी दिखते हैं, अगर दिखेंगे तो, अदरवाइज वो आवाज़ सुन के ही भाग गए होंगे। तो किसी टाइम पर हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे देखे थे, बट यहाँ आंवला तो कुछ भी नहीं दिख रहा फिलहाल। अच्छा वो वहाँ पे दिख रहे हैं, देखो आंवले, फिर वो वहाँ हो रहे हो, वहाँ दिख। तो ये वाला गाँव भी ना लगभग यहाँ जो नीचे लोग रहते हैं और ये लोग भी यहाँ घास काटने के लिए आते हैं इस वाली एरिया में, और इससे उधर को भी। फिलहाल चलो आंवले तोड़ने की कोशिश करते हैं। मौसम हो रहा है बारिश आने का, और ये रिस्क इसलिए है क्योंकि हम चीड़ के जंगलों में, चीड़ के जंगलों में एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है अगर बारिश, और जब ये आसमान ऐसे साउंड करता है तो बिजली गिरने का बड़ा टेंशन रहता है। बिजली हमेशा हरे पौधे पे गिरती है, और वो ज़्यादातर सीधे पौधे होते हैं, यानी कि ये जो चीड़, हाँ इससे याद आया, देख लो सीधा रहना कितना टफ है ना लाइफ में, बहुत बेकार की चीज़ें होती हैं, सीधा वैसे होना ही नहीं चाहिए इंसान को चाहे पौधे को। जो सीधा पौधा होता है ना बिजली उसी में गिरती है, और जो बंदा सीधा होता है ना उस पर भी बिजली गिरती है, ये बात तो हकीकत हो गई आज। तो यहाँ पर भी अभी ये इतनी सारी घास हो रही है, ये घास सारी सूख गई है, और आंवले कहाँ दिख रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा, आंवले दिख रहे हैं इस वाली लोकेशन में, तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलो ये वहां से कितना डाउन लग रहा था ना, वहीं से उतर रहे थे, बट यहाँ पर से देखो यहाँ पर से रास्ता है, और कितना सुंदर रास्ता है। आंवले इतने छोटे छोटे हो रहे हैं, बाय गॉड, और हमारे वहां देखो कितने बड़े बड़े आंवले हो रहे थे। तो इन आंवलों में जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा होगा यार, आंवले तो इतने छोटे, जीरो भाई यार। तो अभी भाई साहब पेड़ में से उतर चुके हैं, ये यहाँ से तोड़ रहे थे, मैं यहाँ पर से तोड़ रहा था, तो ऊपर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि ये पेड़ बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं, इसलिए नहीं जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमने इतने सारे आंवले तोड़ दिए, तो भ्राताश्री पहुँच रहे हैं उस वाले पेड़ में, ये है शून का पेड़। शून बोले तो इसको ना पहाड़ी अपने छतों पर लगाते हैं, तो ये अच्छा शुभ माना जाता है। यहाँ देख रहे हो ये अड्डे कैसे कैसे हैं, यहाँ बाघ रहते थे पहले और अभी भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि अब नहीं रहते, अभी भी रहते हैं। जो परसों में आपको हम लोग वहाँ पर गए हुए थे उस वाले घर पे, वहाँ चौरसा गांव में, वो बाघ ने ना दिन में 2 बजे वहाँ नीचे ये लाल लाल खेत दिख रहे हैं, तो इन्हीं खेतों में गाय को पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जंगली हिरन रहते हैं जिनको हमारे यहाँ काकड़ और घुरड़ बोलते हैं। तो वो तो हम लोग आंवले तोड़ने के लिए ऐसे पत्थरों के पास में चले गए हैं, ये कितना ज़्यादा स्लाइड है आप खुद देख सकते हो कितना, अगर यहाँ से यहाँ कोई संभावना ही नहीं होती, और यहाँ से नीचे देखो कितनी खतरनाक वाली खाई है। ऐसी वाली लोकेशन में तो मैं हूँ यहाँ पे, ये पत्थर भी हल्का खिसका हुआ है, हो सकता है कि पहाड़ी भी खिसकी हुई है, कुछ नहीं कह सकते, बट यहाँ पर से देखो ऐसा कुछ नज़ारा देख रहा है, देखने में भी डर लग रही है, और ऐसे पत्थरों में आंवले हो रखे हैं और हम आंवले तोड़ने के लिए गए हुए हैं। सबसे ज़्यादा शुद्ध और पौष्टिक चीज़ें हैं ये जंगल की चीज़ें, आंवला पकने के बाद अपना इतना सुंदर कलर छोड़ देता है। तो बैग ले लिया प्रेम भाई ने, यहाँ पर ये जो लकड़ी गिरी हुई है इसमें हम चल के जाएंगे आगे को, अगर यहाँ ये सब कुछ देख करके अगर भरत को कुछ याद आ रहा हो तो वो कमेंट करके बता दे कि यहीं पर एक पेड़ गिरा हुआ है पास में ही इस वाले पे, उसकी कहानी भी बताता हूँ। फिलहाल ये प्रेम भाई को देखो, तो पेड़ के ऊपर यहाँ पर उगा हुआ है मशरूम, तो मशरूम जंगली मशरूम कुछ ऐसा होता है और ये बहुत जहरीला होता है। तो ये जो पौधा है गिरेगा तो नहीं गिरेगा, पेड़ को मैं अकेला पलटा दूंगा। हैं? हाँ। पलटा भी सकता, तेरे को भरोसा नहीं है। तो ये वही पेड़ है जिसमें से भरत ने यहाँ से कूद मारी थी,
मतलब ये बहुत लंबा था उस समय आगे, अब ये सड़के आगे नीचे गिर गया है। तो हम लोग वहाँ तक गए और हम लोगों ने मैगी बनाई। यहाँ पर ये वाली लोकेशन सबको याद आ गई होगी, जो जो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, हम सारे भाई लोग यहाँ पर आए हुए थे और इसमें मस्ती करी थी। इसमें से हम लोग गिरे भी थे। तो फिलहाल ये देखो हिल रहा है, बहुत तेज हिल रहा है। नहीं रहने मत पलटा, अरे है भाई 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 फंस गया भाई, ये तो कत्ते ही बाहुबली निकला, फंस गया। क्योंकि इसलिए भी पलटा है ना कि यहाँ पर, क्योंकि फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और ये सड़ा हुआ था, इसमें रिस्क हो रहा था कि अगर जानवर नीचे से हो तो ये गिरेगा तो जानवरों को नुकसान पहुंचेगा। तो अभी सेफली था तो आराम से गिर गया भाई ने। बाहुबली भाई है मेरा, बाहुबली। तो इसने पूरा ही पलटा दिया भाई, मजा आ गया यार, अल्टीमेट कर दिया तुमने तो, है गजब, एक्सीलेंट। तो चलो अच्छा है, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं, इनको हटा दिया जाए तो अच्छा है। तो रास्ते में चलते चलते हमें मिले हिसालू, कुछ दिनों के बाद ही हिसालू भी पक जाएंगे। तो हम लोग मिट्टी लेने के लिए आते हैं इस वाले धार में, तो इस वाले धार से मिट्टी लेकर के जाते हैं, पूरा गांव लेके जाते हैं। और अभी मैं उतनी दूर जा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा, हम लोग फिर नीचे उतरना पड़ेगा। तो प्रेम भाई आगे आगे से चल रहे हैं अभी और मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे से, और बारिश की छींटें लगातार बन रही है, फिसलने वाला हो रहा है ना रास्ता, जंगल बिल्कुल एकदम से फिसलन हो रही है इसमें। इसको देख रहे हो जबरदस्ती जीत कर रहा है और कह रहा है कि नहीं बुरा से फूल तोड़ेंगे, ये देखो वहीं रुक गया। अब देखो ये ऐसी जिद अड़ी, ऐसी जिद पर आ जाता ना, ये दिक्कत है यार इसके साथ। फिर वो बारिश आ गई, भयंकर बारिश आ गई ऊपर से। अरे यार ये लड़का भिगा के रहेगा, जल्दी आ। तो आप देखो आप जा करके बड़ी मुश्किल से आ रहा, देखो चलो बता यार बारिश आ गई भयंकर, हो वहां रुकेंगे अब, चल आप तो भीगना ही भीगना, आप कहां रुकेंगे तो और ही होगी भाई, बहुत तेज बारिश आ गई ऊपर से, देखो फंसेंगे आप। ये तो चला गया और मेरे को बैग दे गया 10 किलो का। तो प्रेम भाई भीग गया और बारिश देखो कितनी ज्यादा तेज आ गई है, बहुत ही तेज हो, और मैं यहाँ पर रुका हूँ। बारिश में ना मेरे को ऐसी जगह पर रुकना पड़ रहा है, देख रहे हो आप, ये बांज का पेड़ है और बांज के पेड़ के अंदर हूँ मैं अभी। प्रेम भाई यहाँ पर है, यहाँ पर जाओ, यहीं पर बैठा, एक्सीलेंट। हाँ बस तो ऐसे छिपना पड़ा बारिश में, भीग गया पूरा कैमरा, भीग गया वहां से सीधे। चल ठीक है फिर मैं भी दौड़ता हूँ, चल ओके ठीक है। तो बारिश में फिर वो दौड़ लगा दिया इसने भाई ने, ये चला गया रेस से। और बारिश कम हो रही है, पता नहीं ज़्यादा हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा थोड़ा सा कम हो गई है। तो अभी मुझे बहुत दूर जाना, देख रहे हो पूरा भीग गया मैं, ये देखो गाइस पूरा पूरा भीग गया। घर आते ही बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है कुछ इस तरीके से। तो अभी हम लोग आ रहे हैं उस वाले धार के बैक साइड से।